बड़ी बात है उसमें। जितना ही वो मुझे तकलीफ देती है ना, उस पहलवान की चाहत उतनी ही बढ़ती जाती है। दोस्तों, आश्रम के तीसरे सीजन के बाद अब चौथे सीजन के बारे में आश्रम की पम्मी ने खुलासा कर दिया है और एक इंटरव्यू देते हुए ये कंफर्म कर चुकी है कि आश्रम सीजन का चौथा पार्ट भी अब आने वाला है। सुनिए क्या कहा है आश्रम की पम्मी ने। वेल, आ तो रहा है क्योंकि शूट तो किया है हमने। सो लाइक आई सेड, पम्मी अभी बड़ी हो रही है, जल्दी जल्दी शूट करो, आप ही बोलो। आश्रम सीजन की कहानी इस तरह बनाई गई है कि इसे देखने वाला हर व्यक्ति इसके हर सीजन में फंसता चला जाता है और शुरुआत के दो सीजन तो दर्शकों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया था, लेकिन आश्रम के तीसरे सीजन थोड़ा सा गड़बड़ करके दर्शकों के लिए कंफ्यूज बना दिया गया था, जिसे देखने के बाद लगा था कि आश्रम का आखिरी सीजन होगा और इसके अंत में बाबा निराला और उसके पापों की सजा मिल जाएगी। लेकिन डायरेक्टर ने ऐसा नहीं किया और सीजन 3 को इसके सीजन 4 की तरफ ले गए और इसके अंत को एक क्लाइमेक्स के साथ खत्म कर दिया गया और जाते जाते इसका एक टीजर भी रिलीज कर दिया गया था, जिसके मुताबिक ये साल 2023 में आने वाला था, लेकिन देखते देखते साल 2024 आ चुका है और अभी तक इसके अगले सीजन का कोई भी अता पता नहीं है। ऐसे में दर्शकों की मायूसी और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि हमें आश्रम सीजन 4 कब देखने को मिलेगा। तो आपको बता दे, आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि आश्रम के भूपा स्वामी यानी कि अभिनेता चंदन रॉय सन्याल ने हिंट दिया है कि आश्रम सीजन 4 इस साल के अंत तक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो जाएगी, जिसकी बची कुछ सीन्स की शूटिंग हो रही है। वहीं अगर बात करें आश्रम सीजन 4 की कहानी की, तो आपको बता दे, पम्मी एक बार फिर बाबा निराला से माफी मांगकर आश्रम में वापस आ जाएगी क्योंकि उसको पता है बाबा निराला उसके प्यार में पागल है, जिसका फायदा उठाकर पम्मी बाबा निराला को सलाखों के पीछे भेजना चाहती है। और ये पम्मी कैसे करेगी, ये आप सभी को आश्रम सीजन 4 में देखने को मिलेगा। वेल दोस्तों, आप लोग कितने बेताब हैं आश्रम सीजन 4 के रिलीज होने पर और पम्मी और बाबा निराला की जबरदस्त लड़ाई देखने के लिए, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी धमाकेदार अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।